हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आजकल हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। और आज एक गुड न्यूज़ है, पर हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कल संडे है। तो वो गुड न्यूज़ है कि हमारे घर में चूल्हा बन रहा है। आप लोग चूल्हा क्या होता है, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अच्छे से व्यू के साथ होती है मेरी गुड मॉर्निंग स्टार्ट। अब मैं आपको मिलती हूँ स्कूल के लिए रेडी होने के बाद। जैसे कि आपको मेरी बहन ने बता ही दिया होगा कि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, और आज मेरे सबसे टफेस्ट एग्जाम है। आप मम्मा से पूछ लो। ठीक है, मेरा मैथ में ठीक है, सारा आता है, एक क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन कट भी गया तो क्या हुआ। जब हमारे एग्जाम चल रहे होते हैं, हम लोग ये लगाते हैं टीका। नहीं, टीका तो हम रोज लगाते हैं वैसे, है ना मम्मा? रोज तो लगाते ही हैं, पर ये है कि जब मैं तुम्हें कल छोड़ने गई थी स्कूल से, तुम्हारे स्कूल के बाहर इतने सारे बच्चे टीका लगा के आए थे, जैसे हमारी कहीं जंग लड़ने जा रहे होंगे। इतने कभी कोई को इतना बड़ा बड़ा कोई लगा रहा है, टीका लगा के आए हुए थे। बोल रहे थे, मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलती है पूजा करके आती हूँ, मैं तो विश करके आती हूँ कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए। पढ़ाई मत करो, विश कर लो, भगवान आके तुम्हें तुम्हारी विश पूरी कर देंगे, भगवान आके तुम्हारा पेपर लिख के जाएंगे बेटा। पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। बेस्ट ऑफ लक बोलो मुझे। कल तुझे मैं पिछले एक महीने से बेस्ट ऑफ लक ही बोल रही हूँ, कभी मुँह से बोल रही हूँ, कभी हाथों से बोल रही हूँ, बोल ही नहीं तेरे को बेस्ट ऑफ लक। मुझे शायद समझ नहीं आते। हाँ, तेरे को बेटा लातों के बाद दांतों से नहीं मानते ना, लातों से ही मानते हैं। पिछले 24 घंटे में, और अभी मेरे को पता है कि मैं कितनी थकी हुई हूँ, बट नहीं, द शो मस्ट गो ऑन, अभी इतना काम बचा है। हाँ, पर तभी मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छे से कपड़े भी नहीं चेंज कर रखे अभी। मम्मा ने जो कर लिया फिर उनका ये दिख रहा है। मैंने तो सिर्फ इनर इनर पहन रखा, इतनी धूप होती है मम्मा स्कूल में। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है ना कि दिल्ली पहुंच गए होंगे। दिल्ली पहुंच गई। बिल्ली। और ये देखो, ये महानी खा रही है खाना, इनकी बहुत आफत आ चुकी है इनकी खाने खाने में। आफत उसमें खाना खाने के लिए आ रही है। कपड़े नहीं पहन सकती है। ये कौन सी ड्रेस पहनी है तूने बेटा? इसको ऊपर पहनते, नीचे नहीं पहनते इसको, तूने नीचे पहना हुआ है। पुट्टू, और दूसरा नमूना कहाँ है? ये देखो, एक नमूना यहाँ बैठा हुआ है, इसको दिए थे कपड़े पहनने के लिए, वो कपड़े इसमें पीछे फेंके हुए हैं, और अपना वो चाट रही है लंच बॉक्स, और जो खाना दिया है दाल भात वो नहीं खा रही है। मुझे नहीं खाना, मुझे फ्राइड राइस खाना है। फ्राइड राइस ऐसे थोड़ा बनता है, बार बार सुबह बनाया था, अभी थोड़ा बनेगा। एक ना आदिवासी होते हैं, एक ना आदिवासी होते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उनको देते हैं कपड़े, तो वो ना अपने कपड़े टांग देते हैं पेड़ के ऊपर, खुद नंगे घूमते रहते हैं। ये वही आदिवासी है, इसको दिए थे कपड़े पहनने को, कपड़े वो फेंके हुए पीछे इंडक्शन के ऊपर, वो देखो, और खुद आगे बैठी हुई ऐसे। और ये देखो, दूसरे को दिए थे कपड़े पहनने को, इसने फेंके तो नहीं है, पर ये अभी चेन्नई से आई है, इन्होंने नीचे पहन लिया है, ऊपर पहनना था नीचे पहन लिया है। हाँ, बहुत सुंदर स्कर्ट है। और ये देखो, कुछ भी नहीं है कटोरे में, तो भी चाटे जा रही है, कह रही है हमने देखा नहीं, वो इतनी अच्छी ब्रांडेड स्कर्ट है, कह रही है बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। ये देखो जरा इसके हाल, ये देखो। ओए, परेशान मत करो, अभी मैं मीटिंग कर रही हूं। मीटिंग कर रही हूं? किसके साथ मीटिंग कर रही हो? लंच बॉक्स के साथ। मैं देखा इसे, ये भी है, काम बटन में लगाएंगे फिर तभी निकलेगा। नहीं,
चलो खाना खाने खा खाओ फटाफट से चलो तो गाइस अभी मुझे खाना खाना है और फिर मुझे प्रिपरेशन भी करना है एग्जाम के लिए। बाबा खरगोश हो गया। मैं लाई हूँ गाजर, मैं बनाऊंगी हलवा। मैं देख सक आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मा कितनी वो है, कितनी कितनी क्या कहते हैं आप देख सकते हैं कि मेरी बिटिया कितनी वो है, क्या कहते हैं रावण हिंदी में, खरगोश है, कितनी खरगोश है। मतलब फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं और इतनी जोरों से पढ़ाई हो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए ये पढ़ाई हो रही है। पुट्टू ए बेटा इधर मुंह करो, अरे देखो तो कौन आया है, इधर देखो। ये देखो देखो गाइस कैसी पढ़ाई हो रही है, देख रहे हैं आप लोग कितनी पढ़ाई हो रही है। बाप रे बाप, ऐसे बुक्स फैलाई हैं टेबल पे जैसे बस सारी किताबें तो इसी ने पढ़नी है, पूरी डॉक्टरी पढ़नी है। और ये देखो ये पढ़ाई इसकी हो रही है। दूसरे कमरे में दिखाती हूँ मैं आपको, इधर ये सो गई है और ये जो बनाने वाला था हमारा चूल्हा, खुशबू जी, खुशबू जी यहाँ सो रखी हैं। खुशबू जी, खुशबू मैडम, सब सोए हैं। मैं छत पे आ चुकी हूँ, मैंने जब से घर आई तब से मैं सोई रही हूँ, सोई जा रही हूँ, सोई जा रही हूँ। मैंने एक किताब तक नहीं खोली, कुछ याद करी थी वो भी अच्छे से, पता नहीं मुझे लर्न होगा या फिर नहीं लर्न होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। वो तो भैया मम्मा से ही पूछो क्योंकि उनको ज्यादा पता, क्योंकि मैं तो सो रही थी। क्या मम्मा जरा बताओ मैं कितनी प्रिपरेशन करी है एग्जाम के लिए। तो वो तो अभी चलेगा, पता पूछूंगी मैं तुमसे सारे आंसर्स। अभी चलना है मम्मा। अच्छा मैं आपको बोली थी ना कि मैं आपको पिचिन का घर दिखाऊंगी, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ वो पिचिन का घर। इसकी ये पूरा कितना गंदा पेंट किया है, हल्का सा गंदा लग रहा है, वो गंदा पेंट हुआ है पर हाँ उसमें पिजन्स आके बैठते हैं। और मम्मा तो बोल रही है वो शायद ना अंडे देने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो ये ऐसा है अंदर से कुछ, अभी मैं अच्छे से रोटेट नहीं कर पा रही हूँ कैमरा, पता नहीं मुझे इसकी पोजीशन चेंज क्यों लग रही है, क्योंकि पहले ये यहाँ पे नहीं था, ये वहाँ था पर अब ये यहाँ आ चुका है, तो मुझे नहीं पता इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे कुछ लोग, ये कम तो नहीं है, ये पत्थर भी है। क्या बन रहा है चूल्हा तो बन रहा है, पर तभी मैं जान बूझ के पूछती हूँ। तो यार ये पानी, हाँ हाँ क्या आवाज आ रही है मम्मा से टूटने की, ये पानी इसमें कम तो नहीं पड़ेगा, ये देखो ये नहीं चिपक गया चूल्हा, चूल्हे चूल्हे बनने की, ये चूल्हा बन रहा है चूल्हे, अरे यार क्या कह रहे हो सर, चूल्हा बन रहा है, हाँ चूल्हा बन रहा है और उसके लिए सीमेंट तैयार हो रहा है। और आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं अभी तो चूल्हा बन रहा है, आई एम एक्साइटेड कि इसमें रोटी कब बनेगी। एक्साइटेड मैं तो नहीं हूँ, मैं आपको डर नहीं लगी, यहाँ पे इतना अंधेरा हो जाता है। हाँ पर राम जी का झंडा हमेशा आता है हमारे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग गाँव में ही आ गए होंगे। गाँव आज वो ठंड भी हो रही है थोड़ी सी जिस गांव में होती है, और जितनी भी नहीं है मतलब है गांव जितनी है थोड़ी थोड़ी, और मुझे एकदम गांव जैसी फीलिंग आ रही है। मैम आपको आ रही है? मैं तो पहले ही कहा था गांव वाली फीलिंग तब आएगी जब मैं उसमें रोटी बना के रोटी खाऊंगी। मुझे तो पता है मैं मुँह से जवाब शब्द निकल रहा है चूल्हा 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 चूल्हा। चूल्हा ही तो है बेटा और क्या है। अरे निकल रहा है बार बार, वाह ये चूल्हा बन रहा है। ओह लुक एट द मून, सो ब्यूटीफुल। मम्मा ये तो मैंने देख लिया था कब का, अच्छा लग रहा है मून ना, ये तो मम्मा दिन में निकल गया था। हां अभी ना हम लोग चूल्हा बना ही रहे थे कि पापा, हां आपका पापा कॉल आ गया, आप हेलो बोलो। हेलो आप बोल,
अब बोल रहे हैं वरना नहीं बोलते क्योंकि अभी वो दिख गए कैमरे में, इसलिए वो बोल रहे हैं तो वरना नहीं बोलते। नहीं बोलते नहीं हो आप, आप सुनवाते हो, शर्माता हूँ। हाँ सुनवाते हो। अभी नहीं दीदी बन गया? हाँ अभी थोड़ा सा रह गया बस। अच्छा पूरी चेयर नहीं लग रही, चेयर कोई बैठ सकता है यहाँ पे? वैसे कितना स्मूथ लग रहा है ना, एकदम स्मूथ है ना मम्मा। देखो हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है, पर अभी यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे पूरी गंदगी साफ करने के बाद नीचे जाएंगे। और देखो ये मैडम भी अब सो के उठ रही है, हमने पूरा चूल्हा बना लिया। और पता है आपको, ये मैंने उठी ही ऊपर में नहीं आई, ये नीचे बैठी हुई है, रो रही थी, डर लग रहा है। एज आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारा चूल्हा भी। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को एक थम्स अप देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, गुड नाइट।